हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक बेरिंग ट्रे की पेंटिंग का वीडियो डाला था, मार्बल के ऊपर जो पेंटिंग होती है गोल्डन एम्बोज की पेंटिंग, तो उसके ऊपर मुझे काफ़ी कमेंट आए कि हमें एम्बोज पेस्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताइए। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं दे पाया था, बहुत कमेंट आए उसके लिए, और मैं माफ़ी चाहता हूँ सारे यूजर्स से जिन्होंने भी मेरे से इसका वीडियो मांगा, उनको वक्त पर नहीं दे पाया। तो मैं आज एम्बोज पेस्ट का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से एम्बोज का पेस्ट हम बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हमने ये सेरेमिक पाउडर है ये लिया है, सेरेमिक पाउडर होता है। और सेकेंड इसमें है ये ड्राई कलर आता है येलो, तो देखिए ड्राई कलर है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो अगर उसको येलो बेस देना चाहते हैं तो आप उसको डालें, वरना अगर वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट भी रख सकते हैं आप। और इसमें एक तीसरे नंबर पर है ये फेविकोल, तो इसके अंदर फेविकोल आपको फ्रेंड्स ये SH वाला ही यूज करना है। इसके अलावा अगर आप दूसरा वो MR वगैरह का दूसरा अगर चेंज यूज करेंगे तो उसमें बहुत आपका सही से वर्क नहीं करेगा। आप फ्लैट जगह पर इसको नीचे वाली जगह पर अगर आप उसको यूज करोगे तब तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे, और खड़ी जगह पर अगर आप उसको एम्बोज को यूज करोगे तो वो नीचे से बह जाता है। और डिजाइन आप चाहे उसको कितना भी हार्ड रख लो, ज़्यादा हार्ड करोगे तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, और थोड़ा सा अगर आप उसे पतला रखोगे तो वो उस पर रहेगा नहीं, बेहतर बह जाता है। तो और इसके लिए एक हमको चाहिए पानी, चार चीज़ है इसकी मटेरियल के लिए। हमने एक डिब्बा लिया है, हमको इसके इनकी मात्रा क्या लेनी है मैं अभी आपको इसमें पूरा बताने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये डिब्बा लिया है और इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना फेविकोल लिया है, लीजिए करीब 10 ग्राम करीब मैंने ये इसके अंदर लिया है। और इसके अंदर अगर आप उसको येलो टच देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, हम तो क्योंकि हमको उसमें गोल्डन यूज करते हैं तो नीचे भी येलो वेस होने से उसमें थोड़ी शाइनिंग अच्छी आती है, इसलिए हम एम्बोज के अंदर ही येलो मिला देते हैं। तो इतना सा हमने इसमें ड्राई येलो मिला लिया। इसमें अगर आपको लिक्विड जो कलर आते हैं, अगर ऐसे कलर अगर आप जैसे मिलाएंगे ये इस तरह के कलर आते हैं फ्रेंड्स, तो ये कलर से ही एम्बोज सही सेट नहीं होता है, ये सही नहीं रहेगा, इसमें ड्राई कलर ही चलेगा। तो एक ब्रश की डंडी से हम पहले इसको मिला लेते हैं, और इसके अंदर हम डालेंगे अभी पानी। तो इसमें तकरीबन मैंने इसको आधा डिब्बा पानी ले लिया है, इसमें मुझे येलो कम लग रहा है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें येलो डालूँगा। अब इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा करके हमको सेरेमिक पाउडर मिलाना है, ये इसमें बहुत सारा डलेगा फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत चिकना आता है, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमको इसको मिलाना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें स्किप ना करके मैं इसको आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, इसमें टाइम भी लगेगा फ्रेंड्स। ये देखिए इतना सारा हमने पाउडर मिलाया है, लेकिन ये भी बिल्कुल पतला है, पानी पानी है इसके अंदर। तो इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें अपने को ये मिलाते रहना है। अभी ये बहुत ज़्यादा पतला है, अभी भी इसमें हम इसमें पेस्ट ये मिलाएंगे। अब हमको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है फ्रेंड्स, इसको हमें एक बार पहले काफ़ी हार्ड कर लेना है। उसके बाद इसको मैं उसका आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से एकदम चिकना होकर के चलेगा ये। अभी देखिए फटाफटा होने लग गया फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा और अभी ड्राई करेंगे।
जब भी आप ये एम्बोज पेस्ट बनाएं तो इस तरह से इसको एकदम से इतना इसके अंदर पाउडर में डालना कि ये इस तरह से इसके कंसिस्टेंसी इस तरह से आ जाए। ये देखिए अभी ये आप देख रहे होंगे फटाफटा सा गए हैं, एकदम चिकना नहीं लग रहा आपको ये। अब जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो उसके बाद में इसमें थोड़ा सा इनको इसमें फेविकोल मिला लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए इतना सा पानी नहीं मिलाना आपको इसमें, इसका ध्यान रखिएगा आप, ये इसी से पतला हो जाएगा। ये देखिए इसमें पानी का अब यूज़ नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी जो है इस तरह से रहेगी। देखिए अब उसके बाद में आपको एक काम और ये करना है फ्रेंड्स, इसको अपने हाथ की उंगली से पूरा कहीं पे भी अगर ये अपने कहीं साइड में कहीं लगा हुआ हो तो इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये कहीं कोई अंदर से लम्स ना रहे। देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। और फिर भी अगर आपके गलती से अगर फ्रेंड्स ये पतला ज़्यादा हो जाता है तो आप थोड़ा सा इसमें पाउडर मिला करके पूरी उंगली से इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से ये एम्बोज पेस्ट तैयार हो गया। इसको अभी भर के कुपी के अंदर भर के उसको यूज करके हम दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मैं इसे एम्बोज करता हूँ, ये मार्केट में आता है गूंद का, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसी में हम इसको भर के एम्बोज करेंगे। पूरी तरह से खाली है ये, आप देख सकते हैं। अब इसको हमको इसमें भरना है। इसको जो भरने का तरीका है फ्रेंड्स, आप इसको जैसे ही इस तरह से भरने की कोशिश कीजिएगा। अब इसको यूज करके हम अभी आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसमें भी भर लिया है, अब आपको चला के दिखाते हैं। आपको सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए इस पर अपने बोर्ड पर ही करके दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो को जिस पर भी ड्राइंग करनी है उसको आप करें। हम तो अक्सर करके डायरेक्टली फ्रेंड्स डिजाइन बिना एम्बोज स्केच किए ही मतलब हम डिजाइन बना लेते हैं। आप आराम से चाहें तो पहले स्केच वगैरह करके किसी भी तरह से डिजाइन बनाएं। किसी भी तरह की कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये देखिए इसमें कहीं से भी नहीं गिरेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमने आपका एम्बोज का पेस्ट का वीडियो
आज अपलोड करने कर भी दिया है आपके लिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। देखिए जल्दी से ये सूख भी जाता है, ड्राई हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।